गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जो है कि स्टील लाइफ बनाने के बारे में सीखेंगे। स्टील लाइफ का मतलब होता है कि स्थिर चित्रण। तो स्थिर चित्रण को हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। उसके लिए एक गमले का पॉट और एक ट्री को मैं इसमें बना रहा हूँ, उसको देखना है। मैंने इस ड्रॉ को कर लिया है। अब इसमें हम शेडिंग करेंगे उस ट्री को। इसमें शेडिंग कैसे करेंगे उसको देखना है। पहले तो इस ट्री एंड इसको हम लोग जला लेंगे पेंसिल को। पेंसिल से इसको ट्री एंड हम लोग चलाते रहेंगे और जैसे जैसे इसको लाइट पेंसिल को इस हिसाब से बनाना है। टाइम लगता है शेडिंग वगैरह करने में, लेकिन फिर भी इसको पेशेंस के साथ ही यूज करना होता है। सबको कैसे पॉइंट करके इसको देखिए, ऐसे मैंने एक बड़े पार्ट को कर दिया है ऐसे कलर फिक्स के बाद नीचे वाला पार्ट कर देंगे। इसके बाद ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें जो है वो जो पार्ट डार्क है उसको डार्क करेंगे। कैसे करना है उसको देखना है। ऐसे हमने इसको इस वाले पार्ट में डार्क कर दिया है और ज़्यादा डार्क जहाँ है वहाँ पर करना है शेडिंग डार्क। इसको करके डार्क भी दिखाना है
कमरे में ये वाला पोर्शन एक तरफ डार्क है और इधर का पूरा डार्क, तो इसको लाइट एंड शेड के हिसाब से डार्क करते जाएंगे। डायमेंशन देना है, पेंसिल के स्ट्रोक में डायमेंशन देना है कि वो लगे कि नहीं राउंड है, कि जो भी पॉट है वो राउंड लाइन चाहिए। इसमें डायमेंशन देना है, कैसे डायमेंशन देना है पूरा शेडिंग के हिसाब से इसको करते जाना है। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन किचन के साथ करें तो शेडिंग अच्छी बनती है। साथ ही बनाना है ऐसे हम पॉट को बना लेंगे लाइफ एंड शेप के हिसाब से। इसको हम डायमेंशन देंगे ऐसे पॉट को हम डायमेंशन देंगे। होने के बाद इसके बाद लीक्स वगैरह जैसे भी इसमें डेकोरेट करना है बनाना है इसको हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं।
कंप्लीट हो गया पार्ट, अब हमें फ्लावर वाला पार्ट का स्टडी करेंगे। फ्लावर कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको बना दिए, ऐसे बनाना है इसको, हम लोग ऐसे बना करके तो कंप्लीट करेंगे। और यहाँ बेस के लिए थोड़ा सा हम शेड दे देंगे, जिससे लगे कि ये हवा में नहीं, वो एक किसी स्पॉट पर रखा हो। ऐसे इसको करते हैं, कंप्लीट करें, ठीक है? ओके, ठीक है, ऐसे हो गया ये, ऐसे बना करके हम लोग तो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।